बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि को बड़े बड़े कारखानों, उद्योगों व पावर प्लांटों के लिए अधिग्रहण कर रही है। सैकड़ों एकड़ भूमि को अधिग्रहण कर निजी कंपनियों को दी जा रही है। आइए आपको ले चलते हैं फतेहाबाद जिले के गांव गोरखपुर में। यहां की लगभग 1500 एकड़ उपजाऊ भूमि को सरकार परमाणु पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण करने जा रही है। जबकि यहां के किसानों का कहना है कि ये भूमि नहरी सिंचित है व उपजाऊ है। यहां के किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए पिछले 6 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, जिला मुख्यालय पर धरना पर बैठे हुए हैं। अपनी जमीन को बचाने के लिए धरने पर बैठे 2 किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते क्योंकि यह जमीन बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ 2-3 फसलें होती है और यहाँ हमारे पास रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं जमीन के अलावा। लोगों के पास कम मात्रा में जमीन है, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 एकड़। अच्छा, इसलिए हमारा गुजारा जमीन पर भी चलता है और हम यह जमीन देने के लिए तैयार हैं। यहाँ के सभी गांव के लोगों से 50 गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। सारे हम घूमे आए हैं गांव के। तो अब आपकी क्या मांग है? देखो, यहाँ से रिमूव, इसको हटाया जाए यहाँ से। हम नहीं चाहते कि ये यहाँ लगे। अक्षेत्र के लोग ही नहीं चाहते यहाँ पर। बंजर भूमि में लगाया जाए। ये और जगह बहुत बड़ी है बंजर भूमि। हरियाणा के अंदर ही ऐसी जगह है जो शिवानी है, लोहारू है, वहाँ बैल की तरफ है, वहाँ बहुत ही पेड़ पड़े, वहाँ लगा दें। हम तो जान दे देंगे, हम जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे दे, जमीन देंगे 1 इंच भी, चाहे उड्डा हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे पता है कि किसान की भूमि जब छीनती है तो उसे कितना दर्द होता है। किसान भूमि की अपने बच्चों की तरह देखभाल करता है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि सरकार केवल विकास को न देखे, किसानों की तरफ भी देखे। आखिर वो किसान कहाँ जाएंगे जिसकी भूमि विकास के नाम पर, अधिग्रहण के नाम पर छीनी जा रही है। सिंचित व उपजाऊ भूमि को किसी भी कीमत पर अधिग्रहण न किया जाए। मैं सत्यवान वर्मा, गोरखपुर हरियाणा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।